हैरत है, तुम लोगों में इतनी तह कलामी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैं कहाँ थी उस वक्त जब वो इतना गुस्सा हुआ? तुम उन आंटी के साथ रिपोर्टिंग करने में मसरूफ थी ना। वैसे तुम भी ना बहुत पागल हो यार। एक तरफ तो सच जानकर खुशी से पूरी रात जागती रही, दूसरी तरफ इतनी नाराज कि सब छोड़कर कॉलेज आ गए। अजीब लॉजिक है तुम्हारी। लॉजिक ही तो समझ में नहीं आ रही है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि कैसे रिएक्ट करूँ। वैसे तुम्हारी कंफ्यूजन तो साफ नजर आ रही है, लेकिन वो तुम्हारे लिए कुछ फील करते हैं तभी तो उन्होंने आंटी से झूठ बोला, और ये गुड न्यूज है। अरे बाबा, फील तो करना ही था ना, अब मुझे देखकर कोई नजरअंदाज थोड़ी कर सकता है। लेकिन जो उन्होंने अम्मी जी से कहा ना, मुझे उस बात की वजाहत चाहिए, बस चाहिए। यार वो डर गए होंगे, शरीफ लड़के ना अक्सर डर जाते हैं। हो सकता है आंटी ने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ देख लिया हो, इसीलिए सवाल कर लिया हो, और उन्हें कोई बहाना मिला नहीं तो उन्होंने झूठ बोल दिया। डरते वरते वो किसी से भी नहीं है, बल्कि घर वाले खुद उनके गुस्से से डरते हैं। बात सुनो, लड़के जितने भी हीरो बन जाए, लेकिन जब बात मोहब्बत की आती है ना, तो सबसे पहले उनकी अम्मा अब्बा के सामने जुबान बंद हो जाती है। कुछ और कह देते, कुछ भी कह देते, मैं कोई यतीम मिसकीन हूँ कि लोग मुझ पर जुल्म करते हैं और वो मुझे बचाने के लिए मुझे अपने साथ रखते हैं। यार बात डर की नहीं होती, बात होती है लिहाज की। वो झिझक गए होंगे, वरना खुद सोचो जिस बिहेवियर की वो बात करें, किसका बिहेवियर तुम्हारे साथ इतना खराब है जिससे वो बचाते फिरेंगे तुम्हें? हाँ ये तो है, वो तो खुद मुझे कुछ नहीं कह सकते, अम्मी जी की जो बेटी हूँ, कोई मामूली बात थोड़ी है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? शायद तुम ठीक कह रही हो, मोहब्बत तो उन्हें मुझसे होनी थी, शायद अम्मी जी के सामने ना वो घबरा गए होंगे और मुझे भी कंफ्यूज करते। हाँ, और इसी कंफ्यूजन में कल तुम स्टेज पर दुल्हन से मिलने भी नहीं गए। वो कोई और वजह थी। अब क्या वजह थी? सुहेल भैया। सुहेल भैया ने क्या किया? अरे ये क्या सुहेल, बेटा तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? एक्चुअली हमें बाजार जाना है। बाजार? नई नवेली दुल्हन को लेकर लोग हनीमून पर जाते हैं ना कि बाजार। इन्हीं के लिए लेंसेस लेने जाना है। हाजरा, तुम्हारी आईसाइट वीक है क्या? नहीं मम्मी जी, आईसाइट तो बिल्कुल ठीक है। मॉम, आपकी बहू को कलर्ड लेंसेस चाहिए। अरे हाँ, बारात वाले दिन तुम्हारी आंखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, वो लेंस कहाँ गए? वो एक्चुअली वो मैंने फेंक दी मॉम। फेंक दिए क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बीवी पर नहीं अच्छे लग रहे थे। अच्छा, तो फिर अब लेने क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपकी बहू को पसंद है, सिर्फ इनकी खुशी के लिए, लेकिन लूंगा अपनी पसंद के। अरे राइत, तुम क्यों वहां खड़े हो? अंदर आ जाओ। कैसे हैं आप? ठीक हूं। आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मेरे भाई का कमरा, क्या मुझे यहाँ पर आना मना है? मना तो नहीं है आना, लेकिन किसी के कमरे में जाना आपके उसूलों के खिलाफ है, इसीलिए परेशान हूँ कि यहाँ कैसे आ गए। हाँ बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि इस घर के रूल्स बदलना शुरू हो गए। आई मीन एक वक्त था कि अगर हम डाइनिंग रूम से हट के कहीं कुछ खा पी लें तो वो आपके उसूलों के सख्त खिलाफ था, लेकिन अब क्या बात है भाई, डायरेक्ट बेडरूम है। तुम्हारी भाभी को भी यहाँ आए एक ही दिन हुआ है। तो आप ही उनकी आते पे गाड़ी है ना, जरा उनको भी कान से पकड़ के लेकर जाएं डाइनिंग टेबल तक, जैसे हमें बचपन में लेके जाया करती थी। डोंट वरी मॉम, अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करेंगी। Oh, I'm sorry, Sohail bhai. You know what? You should be worried. पता है, इनकी आदत है, पहले ये आते बिगाड़ती हैं, ठीक है, फिर उन्हीं बुरी आदतों पर सजा देती हैं, हैं? अभी जितने लाड उठाने हैं आपको आप उठा लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, I'm warning you कि इनके साइड इफेक्ट्स के लिए तैयार रहिएगा। मैंने कहा ना कि ये नई नवेली दुल्हन है अभी।
हाँ तो ये कोई 7-8 साल की बच्ची तो नहीं है ना। आई मीन कम ऑन सोहेल भाई, आपको याद है ना बचपन में अगर हम बेड पर बैठ कर कुछ खा पी लेते थे तो मॉम हमारे कान कैसे मोड़ती थी, ऐसे करती थी जैसे तोड़ देंगी। हाँ हाँ वाकई। वैसे राइट तुम्हें ये सब कुछ अब भी याद है, तुम तो बहुत छोटे से थे यार। हाँ मैं तो कुछ भी नहीं भूलता सोहेल भाई, खास तौर पर मॉम की तरबियत, वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन बेडरूम में कभी कुछ नहीं खाऊंगा। मम्मी जी अगर आप अपने बच्चों की तरबियत पे इतनी स्ट्रिक हैं तो मैं यहाँ नाश्ता नहीं करूंगी, हम सब बाहर चलते हैं। अरे नहीं नहीं तुम बैठो, ये बातें तुम्हारे लिए थोड़ी हैं। क्यों मम्मी जी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ जो आपके रूल्स मुझ पर अप्लाई नहीं होंगे? हम सब नीचे चल के नाश्ता करेंगे, चले। बिल्कुल भाई चले, रूल सबके लिए। चले चल चले आज। वैसे मापारा कहाँ है, उसे कहना कि ये सारा नाश्ता नीचे डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं, हम नाश्ता वहीं करेंगे। हैरत है, तुम्हारे सोहेल भैया ने तुम्हारी अपनी बेगम से शिकायत कर दी, ऐसे लगते तो नहीं है मुझे वो। बात शिकायत की नहीं है, बात झूठ की है, उन्होंने मेरी झूठी शिकायत की है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना शैला आंटी को भाभी की हरकत का बता दो, अगर उस दिन तुम बता देती ना तो आज ये सब नहीं होता। मानो या ना मानो सोहेल भाई के कान भाभी नहीं भरे। बस कर दो, भाभी ने कुछ भी नहीं कहा, असल शिकायत ना सोहेल भैया ने लगाई। चाय भी ठंडी हो गई, मैं दूसरी लेकर आता हूँ। सॉरी इतनी जल्दी क्या है, क्लास अटेंड करने जा रही हो क्या? हेलो कर लो फॉर चेंज। तुम लोग जा रहे हो ना क्लास अटेंड करने, जाओ और जाकर टॉप करो। नहीं जा रही मैं। रिलैक्स रिलैक्स। लेकिन महापारा वो ठीक ही कह रही है, तुम लाइब्रेरी में टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम अगर कुछ पढ़ लो तो तुम्हारी जीपी अच्छी बन जाएगी। लाइब्रेरी में बैठकर मेरी जीके अच्छी बन रही है ना, वो काफी। जीके मतलब जनरल नॉलेज। इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ के तुम कौन सी जनरल नॉलेज पढ़ा रही हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं नॉवेल्स पढ़ी? किसी के कहने की क्या जरूरत है, सबको पता है तुम लाइब्रेरी में बैठ के रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती हो। वेरी फनी। ये फनी नहीं है, एक्चुअली तुम लकी हो, इतने कम नंबर्स पे भी तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वरना मैं पास तो हो जाती हूँ ना। वही तो कह रही हूँ, रोजाना अगर तुम 2 पीरियड लेने की जगह पूरी क्लासेस लोगी तो तुम टॉप कर सकती हो। कॉलेज की बुक्स खोलने का ना मेरा दिल नहीं करता, इनमें वो खुशबू ही नहीं आती जो राइड के किताब। प्लीज अपना ये राइड नाम स्टार्ट मत कर देना प्लीज, मुझे क्लास में जाना है अब, मैं जा रही हूँ अपनी क्लास में। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। चलो मुझे देर हो रही है। सारे घर में ठीक से देखा है तुमने? जी बाजी मैं बता तो रही हूँ, मैंने खुद भी देखा था और जुलेखा खाला ने मुझे खुद भी बताया था, वो तो सुबह से कॉलेज गई है। समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई है, फोन भी बंद कर रखा है इस लड़की ने। अच्छा तुम जाओ जरा जाकर देखो बहू को किसी चीज की जरूरत ना। दुल्हन बीबी तो नाश्ता करके अपने कमरे में भी चली गई। अच्छा चलो ठीक है तुम जाओ। जी अंधी हो, नजर नहीं आ रहा? माफ कीजिएगा भाभी, जल्दी में थी तो नजर नहीं आया। नहीं नहीं तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। भाभी ये आप क्या कर रही हैं? क्या हो गया, क्या हो रहा है? मामा मैं आपके पास आ रही थी तो बस उससे टकरा गई, तो इसीलिए माफी मांग रही हूँ। तुम भी कमाल करती हो हाजरा, भला मुलाजमो से इस तरह कोई माफी मांगता है? मॉम हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस घर में सब मुलाजिम सर पे चढ़े हुए हैं तो मैंने सोचा कि इसको बुरा ना लग जाए। बेटा मुलाजिम मुलाजिम होता है चाहे कितना ही पुराना और वफादार क्यों ना, और आइंदा ये माफी तलाफी ना देखूं मैं। तुम जाओ सोहेल इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा।
रीना जी भाभी, महापारा कॉलेज से वापस आ जाए तो उसे कहना कि रूम में मेरा ड्रेस रखा है, जरा प्रेस कर दे। महापारा? हाँ महापारा, और उससे कहना कि मैचिंग के जूते भी निकाल दे। भाभी महापारा ये काम नहीं करती। क्यों? वो कहीं की शहजादी लगी पड़ी है? वो बेगम साहिबा की बहुत चहेती है ना? तो चहेते नौकर काम नहीं करते? तुम कह देना वो करेगी। देखिए भाभी, मेरे ख्याल से आप शायद भूल रही हैं कि महापारा इस घर की मुलाजिम नहीं है और ना आपका कोई भी काम करने की पाबंद। इसलिए आप ये जो हुक्म चलाने की कोशिश करी ना, ये प्लीज कहीं और जाकर चलाएं। उसका तो पाप भी करेगा। मुझे लगता है आप होश में नहीं है। सकीना, मुंशी रहमत से कहो कि गाड़ी निकलवाए, मुझे बाजार जाना है। जी पता नहीं किस बात की तनख्वाह लेता है इसका बाप। लगता है इस घर के सब नौकरों को मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। Excuse me. अब क्या इरादा है, मनाओगी या सॉरी का इंतजार करोगी? मैंने ना झुकाना थोड़ी है, जो सॉरी का इंतजार करूंगी। मतलब मनाओगी? मैंने अभी सोचा नहीं है। आपकी गाड़ी नहीं आई अभी तक। गाड़ी नहीं आई अभी तक? चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ, वैसे ही नौवे के पीछे तुमने आधा घंटा लेट कर दिया। नहीं नहीं मैं देखती हूँ, यही कहीं होगा ड्राइवर। मेरा तो फोन ही ऑफ है। हजार दफा समझाया फोन मत बंद किया करो। ड्राइवर ने मुझे फोन किया होगा, मेरा फोन ही ऑफ होगा। मैं कॉल करती हूँ। जाओ। ठीक लग रही हूँ ना? अरे भाई, तुम अपने लिए चीज़ें लेने गई थी, अपने लिए लेकर आती, मेरे लिए लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे माँ, मैं अपने लेंस लेने के लिए गई थी, बस इस ड्रेस पे नज़र पड़ी तो सोचा आप पे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए लेकर आ गई। ओह थैंक यू। सकीना, ड्राइवर से कह देना कि सारा सामान यहीं दे जाए। जी भाभी। हम वो मैं महापारा और बाकी सबके लिए भी कुछ लेकर आई हूँ, लेकिन आप महापारा को खुद दे दिएगा, शायद उसे मेरे हाथ से अच्छा ना लगे। ये क्या बात हुई, क्यों नहीं अच्छा लगेगा भला? सकीना, महापारा खाना खा ले तो उससे कहो यहाँ आए। बाजी, अभी तक महापारा आई नहीं है। क्यों? करीम को कॉल करके पूछो। राहत भाई ने करीम चाचा को मना किया है, वो उसे लेने ना जाए। क्यों मना किया है? पता नहीं ये बच्चे क्या चाहते हैं, इतना मुझे तंग किया हुआ इन्होंने। और ये लड़की, सुबह से फोन बंद किया, भाई कितनी मर्तबा कॉल कर चुकी हूँ, मैं देखकर आती हूँ।
आप बस मुझे पिक करने आए? नहीं, मैं तुम्हारे कॉलेज को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देता हूँ। मेरा मतलब है, अगर मुझे पता होता कि आप आए हैं लेने, तो मैं जल्दी आ जाती बाहर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम रोज देर से आती हो। नहीं, करीम चाचा की मिस कॉल पे आती हूँ, लेकिन आज उनके कॉल नहीं आई। तो जाहिर सी बात है, तुम्हारा फोन ऑन होगा तो मिस कॉल आएगी ना। आपको कैसे पता कि मेरा फोन ऑफ है? देखो, मेरी बात का जवाब दो, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? जब मेरा मूड ऑफ होता है, मेरा दिल चाहता है मैं सब बंद कर, किसी से बात ना कर। अच्छा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा अभी भी मूड ऑफ है, यानी तुम बदतमीजी करती हो और खुद अपना ही मूड ऑफ कर लेती हो। क्या बात है? मैंने क्या बदतमीजी की? और आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे मूड से? फर्क पड़ता है ना, इसीलिए तो लेने आया हूँ तुम्हें। सोचने कोई और वजह ना। What do you mean? क्या पता फिर किसी के बुरे बिहेवियर से बचाने के लिए आ गए, मुझ पे तरस खा के। ये किसने कहा? मैंने खुद सुना, जब आप कल अम्मी जी से कह रहे थे। क्या सुना तुमने? तुम्हें पक्का यकीन है कि राइद माँ पारा को कॉलेज से लेने गया है? जी भाभी, करीम चाचा ने खुद बेगम साहिबा को बताया है। एक बात तो बताओ, ये मम्मा को माँ पारा और राइद की दोस्ती से कोई एतराज नहीं है? दोस्ती? राइद भाई को तो माँ पारा एक आंख निभाती थी, वो तो बेगम साहिबा के मुंह पे चुप थे। आते के साथ ही खाने की मेज पे माँ पारा का नाम सुन के इतना बिक गए, अपने कमरे में चले गए और बाहर से खाना मंगवा लिया। क्यों, खाना माँ पारा ने बनाया था? माँ पारा, उन मोहतरमा को तो अंडा तक उबालना नहीं आता, लेकिन पता नहीं राइद भाई के लिए हलवा कैसे बना लिया। अंडा उबालना नहीं आता तो हलवा कैसे बना लिया? वही तो, मेवे काटते वक्त अपनी उंगलियां काट ली, हलवा भूनते वक्त अपना हाथ जला लिया, इतना बड़ा सा छाला बन गया था। फिर तो राइद ने बड़े मजे लेकर खाया होगा। राइद भाई खाई नाले महापारा के हाथ का हलवा, सारा जाया हो गया था, महापारा ने खुद गिराया था और कहने लगी नमक गिर गया। हो सकता है गिर गया हो, या राइद ने चक्कर मना कर दिया हो। भाभी, राइद भाई ने तो देखना तक गवारा नहीं किया था, वो तो महापारा के नाम से चिढ़ते थे। आपकी शादी से एक रात पहले बड़े साहब ने और सुहेल भाई ने हाथ जोड़ कर समझाया, तब कहीं जाके माने। एनीवेज, अब तो बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है दोनों में। वही तो, अल्लाह जाने ऐसा क्या हो गया कि इतनी दोस्ती हो गई। कहां तो राइद भाई माँ पारा के साथ बाजार नहीं जाते थे और अब उसको लेने कॉलेज चले गए, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है। इतनी जल्दी इतना बड़ा चेंज, कुछ तो गड़बड़ है। तुमने सिर्फ ये सुन लिया कि मैं तुम्हें लोगों के बुरे बिहेवियर से बचाने के लिए उनसे दूर रखना चाहता हूँ और तुम बुरा मान गई। तो क्या नहीं मानना चाहिए था बुरा? हरगिज़ नहीं, तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए था कि मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें तुम्हारा मुकाम देना चाहूँ। अरे कम ऑन यार, लोग तुम्हें मेरे साथ देखेंगे, तुम्हें मेरा अपना समझेंगे, हमारे साथ देखने की आदत हो जाएगी उन्हें। लेकिन आपने तो अम्मी जी से कहा था कि आप मायों वाली बात की वजह से मुझे अपने साथ रखते हैं। मुझे लगा मुझ पे तर्स खा रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनसे कुछ तो कहना था ना। अब वो भी जानती कि कोई बिला वजह किसी को अपने साथ नहीं रखता, हर किसी की कोई ना कोई वजह होती है, ऐसे मेरी भी एक वजह थी। जी? देखो महापारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। हाँ, तो वो तो हमेशा से मेरी अम्मी जी है ना। अच्छा, यू नो व्हाट, जस्ट लीव इट। अब वो सिर्फ तुम्हारी अम्मी जी नहीं है, मदर इन लॉ भी है। जी? जी, और मैं नहीं चाहता कि किसी नए रिश्ते की वजह से उन्हें या फिर तुम्हें दुख पहुंचे, इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, इसी वजह से किया। एनी कंफ्यूजन?
Great. Achha, listen, can I ask you for a favor? Next time, agar tum koi bhi baat suno na, to please mujhse ya phir kisi aur se react karne se pehle ek baar mujhse pooch zarur lena. Okay? Good. Achha, suno, mangni wale jhoot ki wazahat chahiye tumhe? To phir chalo. चलो जुलेखा भी आप परेशान मत हो, रायद उसके साथ ही है ना, आ जाएंगे दोनों. रायद मियां आपका फोन तो उठा नहीं रहे, पता नहीं उसको कॉलेज से लिया भी है कि नहीं. रहमत भी घर पर नहीं है, फोन भी बंद है और इतनी देर हो गई है. हो सकता है कॉलेज से कहीं और चली गई हो. हाजरा, कॉलेज से भला कहाँ जाएगी वो? मम्मी जी, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ती है, कोई तो दोस्त होगी उसकी. हो सकता है शॉपिंग पे चली गई हो. हाँ, उसकी एक दोस्त है अस्मा, उसको फोन मिलाइए जरा. हाँ, वो आमना को कॉल करके पूछती हूँ मैं कि अस्मा के साथ तो नहीं चली गई कहीं. बेगम साहबा, राइस साहब आ गए. अरे था क्या? मैं देखती हूँ, शायद वो भी घर आ गई होगी. हाँ, मैं देखती हूँ राइस को. होप सो. नहीं मॉम, बल्कि आप एक काम करें, आप भाई के साथ जाएं, मैं माँ पारा के साथ आ जाऊंगा. तुमने सिर्फ ये सुन लिया कि मैं तुम्हें लोगों के बुरे बिहेवियर से बचाने के लिए उनसे दूर रखना चाहता हूँ और तुम बुरा मान गई. तो क्या नहीं मानना चाहिए था बुरा? हरगिज़ नहीं, तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए था कि मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें तुम्हारा मुकाम देना चाहता हूँ. अरे कम ऑन यार, लोग तुम्हें मेरे साथ देखेंगे, तुम्हें मेरा अपना समझेंगे, हमारे साथ देखने की आदत हो जाएगी. मेरी बात सुनो, मैं जो कुछ भी करता हूँ या जो कुछ भी कहता हूँ ना, उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन होता है. तो हमेशा से मेरी अम्मी जी है ना? अब वो सिर्फ तुम्हारी अम्मी जी नहीं है, मदर इन लॉ भी है. जी? जी, और मैं नहीं चाहता कि किसी नए रिश्ते की वजह से उन्हें या फिर तुम्हें दुख पहुंचे, इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, इसी वजह से किया. तो सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी, तुमने तो अपना ही बना लिया.
रायत, ये क्या हरकत थी? कौन सी हरकत? बनो मत, तुमने करीम को रोका था महापारा को लेने जाने से। कहाँ है वो? लेने गए थे तुम उसे? अपने घर पे है मॉम, क्या हो गया? तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ बेटा? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से कितनी परेशान हुई होगी वो? मेरी वजह से क्यों? 1:30 बजे उसका कॉलेज ऑफ होता है और इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? हाँ तो? तो तुम करीम को जाने देते ना उसे लेने के लिए? वक्त पर ले तो आता उसे वो। अच्छा चलें ठीक है, अब आप फिक्र नहीं करें, अब से मैं उसे रोज वक्त पर ले आऊंगा। क्या तुम उसे रोज लेने जाओगे? अरे खुदा, मेरे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें आखिर? प्रॉब्लम ये? क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कल जिस बेटे से गुस्सा होकर आप बात ही नहीं करना चाह रही थी, आज खुद उसके सामने आकर बैठ गए। क्यों? महापारा के लिए ना? देखिए अम्मी, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूं जो आप नहीं कर पा रही। मैंने महापारा को अपनी बेटी की तरह पाला है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उसके लिए क्या करना बेहतर होगा। देखिए अम्मी, उसे ओन करना और उसके लिए स्टैंड लेना सबसे बेहतर है, वरना दूसरे लोगों का हौसला बढ़ता है। फिर वही बेकार की बातें राय, मैं तुम्हें बता रही हूं कि ना ही उसे किसी से प्रॉब्लम है और ना ही किसी और को उससे कोई प्रॉब्लम है, और मैं तुमसे मजीद बहस नहीं करना चाहती है। बेटा तुम थोड़े दिनों के लिए यहाँ आयो, खाओ पियो एंजॉय करो, यहाँ के मसलों में क्यों पड़ रहे हो तुम? यू नो व्हाट मॉम, उसे प्रोटेक्ट करने में मुझे मजा आ रहा है, तो आप समझ लें कि मैं बस इसी तरह एंजॉय कर रहा हूं। अच्छा, और फिर ये जो 1 महीने बाद तुम वापस चले जाओगे, फिर क्या होगा? फिर ये है कि मैं हालात आपके हक में रख दूंगा। मेरे जाने के बाद आपको महापारा के लिए स्टैंड इन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर कोई उसे एग्जैक्टली वैसे ट्रीट करेगा जिस तरह आप चाहती हैं। अगर कॉलेज में देर हो रही थी तो किसी दोस्त से कह देती है वो फोन कर दे, क्यों बूढ़ी जान को सताती है? क्या हुआ था महापारा, कहाँ रह गई थी? कुछ नहीं हुआ था, अब्बा लाइब्रेरी में थी, टाइम देखना भूल गए। टाइम देखना भूल जाया कर बेटा, लेकिन बाप की शक्ल तो याद रखा कर। अम्मा का फोन सुन के जो मेरे दिल का हाल हुआ था ना, अगर देख लेती तो घड़ी से नजर ना हटाती। दादी क्यों करती हैं आप ऐसा, हमेशा अब्बा को परेशान कर देती हैं। दादी को कुछ ना कह, देख नहीं रही रो रो के क्या हाल कर लिया उन्होंने अपना? कहने दो रहमत, दादी तो बुरी है ना, इसने जानबूझ के फोन बंद किया था, चार्जिंग तो बस बहाना है। कैसी बातें कर रही अम्मा, क्यों करेगी ऐसा? रात को चोटी खींच के बांध दी थी ना, उसी चोटी का फंदा बनाकर जान लेने के दर पे थी। फोन तो इसने जानबूझ के बंद किया था कि जालिम दादी फोन ना कर ले। दादी को ऐसे तंग करते हैं बेटा? दादी मैं क्यों करूंगी ऐसा? तो फिर बताओ, देर हो रही थी तो फोन क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक है, आज के बाद नहीं होगी देर, अगर आप कहेंगी ना तो कॉलेज भी छोड़ दूंगी। हैं? कॉलेज छोड़ दोगी तो बड़ी अफसर कैसे लगोगी? मुझे बड़ी अफसर लग के क्या करना है अब्बा? बड़ी सी गाड़ी लेनी है, बड़ा सा घर लेना है, मेरी बेटी को शुरू से गाड़ियों में घूमने की आदत है तो हम गाड़ी लेंगे। आप फिक्र नहीं करें अब्बा, मैं सारी जिंदगी बड़ी सी गाड़ी में ही घूमूंगी। बगैर पढ़े लिख के कैसे, मैं तो एक मामूली सा मुंशी हूँ, तेरे लिए गाड़ी लेना चाहता हूँ लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। हाँ तू पढ़ लिख के अफसर बन जाएगी तो हम गाड़ी लेंगे, मैं भी तेरे साथ पीछे बैठ के जाया करूंगा। हाँ आप वैसे भी पीछे बैठ जाया करें अब्बा, मेरा जो होगा सब आपका ही तो होगा। मापारा, अरे मापारा तुम यहाँ बैठी हो, बेगम साहब बुला रही है तुमको। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उनसे कहो कि वो नहीं आ सकती। जी ठीक है।
अरे वाह, महापारा के एजाज में मामा ने उन्हें भी बुला लिया। बस पापा की कसर रह गई थी, अगर उन्हें भी बुला लेती तो कोर्स पूरा हो जाता। उन्हें भी कॉल कर दिए, बस किसी भी वक्त आते होंगे। हाजरा, अम्मी कहाँ हैं? और राइद ने बताया कि इतनी देर कहाँ हो गई? जी बता दिया, देवर जी का कहना है कि वो महापारा को फिर से आइसक्रीम खिलाने ले गए थे, बस वहीं देर हो गई। सकीना मेरा पर्स ले। जी लेकर आते। तुम कहीं जा रही हो? जी, महापारा की दादी ने कहलवाया है कि आइसक्रीम खा के उसका गला खराब हो गया, बस उसी की आदत के लिए जा रही हूँ। वरना वो क्या सोचेगी कि बड़ी भाभी ने जरा भी बड़ापन नहीं दिखाया। तो तुम क्यों जा रही हो? सकीना से कहो वो बुला लेगी। सकीना? वो गई थी लेकिन महापारा नहीं आई। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। अब मम्मा इतनी बड़ी हो कि उसकी आदत के लिए जाएं अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर पूछाऊं कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। अगर तुम जा रही हो तो मैं भी चलता हूँ। आपकी क्या जरूरत है, आप जाकर रेडी हो जाएं, मॉम के घर भी जाना है। ऐसा भी क्या तैयार हो? अगर तुम अकेली चली गई तो मॉम कहेंगी कि घर की नई नवेली दुल्हन को अकेले ही भेज दे। ऐसी बात है तो फिर चले। चलो। रहे चाचा। अरे दुल्हन बेगम, आप यहाँ? हम मंदिर आ सकते? क्यों नहीं सोहेल मियां, आइए आइए आइए। मैं अम्मा को बुलाता हूँ। अम्मा देखिए दुल्हन बेगम आई है सोहेल मियां के साथ। अरे आप लोग कैसी हैं? वहां पारा? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताएं। अम्मा मैं आता हूँ। तुम्हारी भाभी तो कह रही थी कि तुम्हारा गला खराब है, लेकिन तुम तो कोयल की तरह बोल रही हो। मेरा गला खराब है? ये आपसे किसने कहा भाभी? सकीना बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। एक मिनट, मैं कॉल ले लूं। दुल्हन बेगम बता देती तो बहुत अच्छा होता। अपने घर में कहलवाने की क्या जरूरत है? कुछ इंतजाम कर लेती, पता होता तो आप पहली दफा आई हैं मेरे घर। इस उम्र में आप कहाँ इंतजाम करती। हाँ महापारा कुछ सिखाया होता तो और बात थी, लेकिन इसे तो बस। अरे दुल्हन बेगम, आप सड़क वाले दरवाजे से क्यों आई? अंदर से आ जाती, अंदर भी दरवाजा खुलता है। रहमत, मुझे चोर दरवाजों से आना पसंद है, चाहे दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, मैं मेन दरवाजे पे दस्तक देकर ही आती हूँ। चोर रास्तों से तो किसी को भी आना अच्छा नहीं लगता भाभी। ठीक काम हमारा, लेकिन कभी कभी मजबूरी के तहत उन चोर दरवाजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा चलो जाओ, उसको प्लेट में निकालो। दुल्हन बेगम आप बैठे ना, खड़े खड़े थक जाएंगी। नहीं नहीं, मैं जरा महापारा को देख लूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं कमजोरी से उसके हाथ ना कांप जाए। मैं देखती हूँ। अम्मा मैं आता हूँ। क्या बात है, आजकल बहुत खुश हो। मैं बताऊंगी तो आप अम्मी से शिकायत लगा देंगे। मैंने कब शिकायत लगाई है? तो क्या अम्मी जी से मैंने शिकायत लगाई है कि मैं भाभी जी की आपसे शिकायत करती हूँ? तुमसे मॉम ने कहा है? हाँ तो क्या झूठ कहा है? नहीं, मॉम झूठ नहीं बोल सकती। तो मतलब आपने कहा है? हाँ,
कह दिया होगा शायद। एक्सक्यूज मी, सुहेल मियां क्यों चले गए? भाभी भी चली गई क्या? वो तो तुम्हारे ही पास आई थी। मेरे कमरे में ये क्या हुआ? भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, इश्क के करामात देख रही हूँ। ये मेरी डायरी है। मुझे तो लगा था कि तुम खुद पसंद हो, लेकिन तुम तो खुद परस्त भी हो जी। लोग खुद को आईने में देखते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, खुद को सराहते हैं, अपनी नजर उतरवाते हैं, लेकिन तुम तो इसके साथ साथ अपनी राइटिंग पर भी मरती हो, उसे चूमती हो। जरा हमें भी तो दिखाओ भाभी प्लीज। वैसे मैंने सुना था कि गरीब बैकवर्ड लड़कियां अपने मोहब्बत नामे संभाल कर रखती हैं, लेकिन तुम तो बहुत निराली हो। खुद लिखती हो और फिर अपने लिखे हुए को खुद चूमती हो। मैं लिखती इतना अच्छा हूँ कि उसे देख के प्यार आ जाता है। वही तो, आखिर ऐसा क्या लिखती हो जिस पर आंसू भी बहाती हो और होंठ भी रख देती हो? वैसे मैंने सुना था कि गरीब बैकवर्ड घर की लड़कियां अपने मोहब्बत नामे संभाल कर रखती हैं, लेकिन तुम तो बहुत निराली हो। खुद लिखती हो और फिर अपने लिखे हुए को खुद चूमती हो। मैं लिखती इतना अच्छा हूँ कि उसे देख के प्यार आ जाता है। वही तो, आखिर ऐसा क्या लिखती हो जिस पर आंसू भी बहाती हो और होंठ भी रख देती हो? भाभी आप वो दुल्हन बेगम चाय रखी है। चलो अपना ख्याल रखो और ये पैसे रख लो, दवा ले आना। नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शायद आगे जरूरत पड़ जाए। अरे इतनी बीमार थोड़ी है कि वो दवा ले उसकी। आपको क्या पता जुलेखा भी बीमार है भी या नहीं? एक बार चेकअप करवा लें, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। और वैसे भी कुछ बीमारियां लाइलाज होती हैं। फिर भी भाभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं बीमार पड़ी भी तो हम इलाज करवा सकते हैं। चलो जब किसी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं चलती हूँ। आप वो चाय? चाय पीने के लिए आपको मेरी इजाज़त नहीं चाहिए। मैं तो वैसे भी जा रही हूँ, आप चाय पी सकती हैं। पता नहीं क्या बोलकर चली गई। एक कॉफी बनाने में कितनी देर लगती है? जी भाई, मैं भी लेके आती हूँ। सुहेल बेटा, तुम तो महापारा की तबीयत पूछने गए थे ना? जी गया था। हाजरा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। माँ पारे की अयादत के लिए गई है, तो जाहिर सी बात है उसकी अयादत करके ही आएगी। मेरी तरह जुलेखा बी से तो पूछकर नहीं आ जाएगी। तो बेटा तुम भी पूछ लेते, तुम्हें किसी ने रोका था क्या? अगर वो मुझसे पूछ लेती तो मैं क्या कहता अम्मी? माँ पारा तुमसे ऐसा क्या पूछ लेती कि तुम उससे बिना मिले ही वापस आ गए?
अगर वो मुझसे पूछ लेती कि मैंने आपसे उसकी शिकायत क्यों की तो मैं क्या कहता? बताए ना मम्मी क्या कहता मैं? अगर वो मुझसे ये पूछ लेती कि उसने मुझसे भाभी की ऐसी कौन सी बात की है जो मैंने सब कुछ आपसे कहा? सुहेल, बस इसीलिए मम्मी, इसीलिए मिले बना वापस आ गया। बेटा बात ये है कि कोई बात नहीं मम्मी, आपने कहा है ना, कुछ सोचकर ही कहा होगा। ये सुहेल भाई कॉफी का क्या के किधर चले गए? ला मुझे दे दो, मैं वैसे ही कॉफी मंगवाने वाला था। थैंक यू। मुझे क्या पता था भाभी ऐसे छापा मार देंगी, तो शुक्र है उनके नाम की स्याही फैल गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और लगाओ किताबों पर अपनी इश्क की मोहरे, अब पता चला? मैं मोहर नहीं लगा रही थी, वो तो मैं बस उनकी खुशबू को फील कर रही थी। वैसे एक बात बताऊं महापारा, मुझे तुम बहुत बेबाक लड़की लगती थी, लेकिन निकली तुम वही मशरकी टिपिकल लड़की। क्या मतलब? मतलब ये कि अकेले में तो अपनी मोहब्बत की बड़ी बड़ी दलीलें देती हो, मगर जब उन्होंने आकर सामने से इजहार किया तो बोलती बंद हो गई। इजहार कहाँ किया? वो तो उनके मुंह से निकल गया अचानक। देखा, मैंने कहा था ना उनके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, देख लो कर दिया ना इजहार। लेकिन वैसे तो नहीं किया ना जैसे मैंने सोचा था। तुमने कैसे सोचा था? मैंने सोचा था कि क्या सोचा था तुमने? मैंने सोचा था कि हाँ बताओ क्या सोचा था तुमने? पता नहीं मैंने कैसे सोचा था, लेकिन ऐसे नहीं सोचा था जैसे उन्होंने किया। खैर जैसे भी कहा हो, तुम्हारा तो भला हो गया ना। भला? मेरी तो ईद हो गई है। ऐसा लगा आसमान पर दहकता सूरज चांद बनके चमकने लगा, और फिर भाभी आ गई उस चांद को गिरहन लगाने, है ना? तो लगा दे, इस चांद की रोशनी किसी भी गिरहन से कम नहीं होगी। तुम्हें ऐसे ही लगता है ना हमेशा से। वाह हमारा बीबी, तुम तो बहुत पक्की खिलाड़ी निकली। कुछ तो था उस रजिस्टर में जिसे तुम छुपा रही थी। किससे बातें कर रही है भाभी? कौन पक्की खिलाड़ी है और क्या छुपा रही थी? तुम्हारी महापारा बीबी, और कौन? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खिलाड़ी तो वो बहुत पक्की है, बड़े साहब को भी ऐसे हरा देती है कि क्या बताऊं, और ऐसी ऐसी चालें चलती है कि बस। तुम्हारे बड़े साहब को तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे छोटे साहब को चार दिन में काबू करने का रास पता चल गया मुझे। जी तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? कौन लड़का? वो ही लड़का जिससे महापारा का अफेयर चल रहा है। नहीं भाभी, कोई लड़का नहीं है। बनो मत, मैंने तुम्हें यहाँ यही पूछने के लिए बुलाया है कि आखिर वो लड़का है कौन। अरे भाभी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, महापारा का किसी से कोई चक्कर नहीं है, बल्कि वो तो इन चक्करों में पड़ती ही नहीं है, वो तो बस बेगम साहब पर ही राजधानी जमा के रखती है बस। लड़का तो है और चक्कर भी है, वरना बिना एक्सपीरियंस चार दिन में कोई अमेरिका रिटर्न लड़का फंसा नहीं लेता। तो मानो या ना मानो चक्कर तो है कोई इसका। अरे भाभी कैसी बातें कर रही है, आहिस्ता बोले, अगर किसी ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। जब वो हरकतें करते हुए नहीं डरती तो तुम्हें कौन से कयामत टूटने का डर है? चक्कर चलाने में बहुत एक्सपर्ट है तुम्हारी महापारा। राइट भाई तुम जाओ। कोई वजाहत देंगी इन इल्जामात की?
किस इल्जाम की? वो हर इल्जाम जो अभी आपने महापारा पे लगाया है। किस इल्जाम की बात हो रही है? अरे कुछ नहीं अम्मी, वो हाजरा भाभी कह रही थी कि महापारा के किसी लड़के के साथ, I mean what she's basically trying to say is that महापारा is interested in someone, या she likes someone. Strange, right? अम्मी जी, वो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम महापारा के बारे में ऐसी घटिया बातें करोगी, और वो भी घर के मुलाजमों से। मेरा यकीन करें, मैंने जो कुछ भी कहा बुरे दिल से नहीं कहा, बल्कि मैं तो नोटबुक में वो लव लेटर देखकर खुद परेशान हो गई थी। बस इसीलिए सकीना से पूछा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है? हाँ, आप लोगों के घर जाके उनके कमरे में उनकी चीजें देखती हैं और फिर घर आकर नौकरों से उसकी तस्दीक भी करती हैं। क्या एटिकेट्स हैं आपके? मतलब आई एम इंप्रेस्ड। पर्सनल स्पेस और एटिकेट्स क्या होते हैं रायत, मुझे अच्छी तरह पता है, और मैं खुद उसके मोहब्बत नामे ढूंढने नहीं गई थी। वो तो बेड पे पड़े थे तो मेरी नजर पड़ गई, और जब मैंने उस पर लिपस्टिक के निशान देखे तो मैं परेशान हो गई कि कहीं वो किसी उल्टे सीधे चक्कर में तो नहीं पड़ गई। अरे भाभी, अगर वो कुछ उल्टा सीधा कर भी रही थी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मॉम देखे ना, कितनी बुरी बात है कि भाभी घर के सर्वेंट से डिस्कस कर रही है। शायद मेरा नहीं, लेकिन मम्मी का तो पूरा हक है कि वो जाने कि महापारा को कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा। वो इतनी मासूम भी तो है, अच्छे बुरे का फर्क भी नहीं जानती, और हमें पता होना चाहिए कि वो किस लड़के में इन्वॉल्व है। महापारा को बुलवाया तुमने? हाँ, मैंने बुलाया, बल्कि मैंने सुहेल भाई को भी बुलाया। सुहेल को क्यों बुलाया? तुम तो अपनी अम्मी के घर जा रही थी ना, सुहेल के साथ गई नहीं अभी तक। मम्मी, जब तक आपका दिल मुझसे साफ नहीं हो जाता मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। आप अभी बुलाएं महापारा को, आपको पता चल जाएगा कि आखिर सच क्या है। हाजरा, महापारा मेरी तरबियत है, मुझे उससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, और यहां तो मैंने उसे उसकी तबीयत पूछने के लिए बुलवाया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं कर सकती। लेकिन मम्मी, खबरदार खबरदार, अगर तुमने या किसी ने भी उससे कोई सवाल जवाब करने की कोशिश की हो तो बेहतर यह है कि तुम में से कोई भी उसके सामने ना आए। क्या सोच रही है अम्मा? सारा बिस्किट चाय में गिर गया है। मैं सोच रही हूँ रहमत, के महापारा के मामले में हमसे कोई कोताही तो नहीं हो गई। क्यों, क्या हुआ?
हमें शुरू से ही महापारा को छोटी बेगम के हवाले नहीं करना चाहिए था। कोई बात हुई है क्या? वैसे तो कोई बात नहीं है। उस घर में रहकर महापारा अपने आप को उस घर का हिस्सा समझने लगी। तो समझने दे अम्मा, वक्त उस पे मेहरबान है और इंशाल्लाह हमेशा मेहरबान रहेगा। मेहरबान वक्त नहीं है, छोटी बेगम है, और उनकी उस मेहरबानी की वजह भी समझ में आती है। वो हमारी महापारा के अंदर अपनी मरी हुई बेटी को महसूस करती है। अब हर एक तो उस वजह को महसूस नहीं करेगा ना। आप क्या चाहती हैं? मैं उसे वहां जाने से रोक दूं? अगर तुम्हारे और मेरे बस में होता ना तो मैं अभी ना रोक लेती उसको। देखा नहीं एक बुलावे पे कैसे भागती हुई गई है। मैं तो कहती हूँ कि अब हमें उसकी शादी कर देना चाहिए। शादी? हाँ बेटा, शादी ही वाहिद तरीका है उस घर से दूर रखने का। नहीं अम्मा, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, कुछ बनाना चाहता हूँ। कि तुमने इतने बड़े बड़े ख्वाब कब से देखना शुरू कर दिए? मैं ख्वाब बड़े छोटे नहीं होते, हौसला छोटा बड़ा होता है। इंसान अगर अज़्म कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बड़ी सी अफसर बने, बड़ा सा बंगला हो, गाड़ी हो उसके पास। ये तुम कब से इस तरह सोचने लगे कि बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बड़ा बंगला हो? इससे पहले तो तुम्हारी दिमाग में ये बातें नहीं आई। आज नहीं आई अम्मा, ये बात तो उसी दिन मेरे दिल में आ गई थी जिस दिन सोहेल मियाँ की सास ने भरी महफिल में मेरी बेटी को नौकरानी कहा था। उस घर का नौकर तो उसका बाप है। मेरे लिए तो मेरी बेटी राज करने के लिए आई है इस दुनिया में। मैं सोहेल मियाँ की सास को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ अपनी बेटी की कामयाबी की सूरत में। ये देखो, और ये मुझे क्यों दिखा रही है? अरे अगर तुम्हें इनमें से कोई लड़का पसंद है तो बताओ, तुम्हारी शादी करवाएंगे हम। हैं? मेरी शादी क्यों? क्योंकि पढ़ाई में तुम्हारा दिल नहीं लगता ना, तो सोच रहे हैं जहां तुम्हारा दिल लगता है तुम्हें वहीं भेज दें। लेकिन इनसे क्यों? तो किससे? मेरा मतलब है अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो बता दो, हम देख सकते हैं उसे भी। किसने कहा आपसे कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता? मैं तो इतने शौक से पढ़ती हूँ। बात सही है, लेकिन मॉम को कुछ और पता चला है। आप क्या पता चला है? नहीं नहीं, आप राइट, खामोश रहो। क्या हो गया मॉम? देखो मॉम को ये पता चला है कि तुम सिर्फ अपनी बुक्स पढ़ती लिखती नहीं हो बल्कि उन्हें प्यार भी करती हो। अब फजल अली या छोटी बेगम कुछ भी समझे, लेकिन उसकी पहचान तो यही है ना कि उस घर में काम करने वाले एक छोटे से मुंशी की बेटी है। मैं तो चाहती हूँ कि उसका ये भ्रम टूटने से पहले हम उसकी शादी कर दें। नहीं अम्मा, मैं तो ये चाहता हूँ कि उसका भ्रम टूटने से पहले हकीकत में वो रानी बन जाए, पढ़ लिख के बड़ी सी अफसर बन जाए, हर तरफ उसकी इज्जत हो। बड़े बड़े ख्वाब मत देखो रहमान, पढ़ाई में तो दिल उसका है नहीं, सारा दिन मर्दों की तरह शतरंज खेलती रहती। शतरंज? अम्मा बहुत बड़े बड़े जहीन लोग खेलते हैं शतरंज। बड़े लोगों को खेलने दो, तुम अपनी बेटी को उसकी चादर के हिसाब से पांव फैलाना सिखाओ। मैं अपनी बेटी को बड़ी चादर लेना क्यों ना सिखाऊं, ताकि उसे कभी पांव सुकेड़ने की जरूरत ही ना पड़े। मैं जा रहा हूं फजल साहब के पास, थोड़ी देर की छुट्टी लेकर आया था, आज मुझे इस्लामाबाद भी जाना है तो हो सकता है वापसी पे मुझे देर हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
ये आप लोगों से भाभी ने कहा है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि भाभी ने कहा? भाभी जब आपने सब देख लिया तो सबको बताने की क्या जरूरत थी? अरे हजरा, अरे भाभी आप वहां पर क्या कर रही हैं? अगर आपको हमारी बातें सुननी ही थी तो यहाँ बैठ कर सुन लेना। आए तो बस वैसे ही, और इससे ये पूछे ना उस रजिस्टर के बारे में, बताओ सबको। भाभी वो साइंस का रजिस्टर था। साइंस का रजिस्टर? तुम्हारा मतलब है कि वो सिर्फ एक साइंस का रजिस्टर था जिसे तुम प्यार से चूम चूम कर रखती हो? भाभी मैंने तो आपसे मजाक ही किया था कि मुझे अपनी राइटिंग से प्यार है, आपने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। तो मजाक नहीं था मावारा, सबको सच बताओ। कौन सा सच भाभी? वही सच कि तुम अपनी इंग्लिश की राइटिंग चाइनीज में लिखती हो, उसे तुम्हें प्यार क्यों है? हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है भाई, तुम तो उर्दू भी सिंधी की तरह लिखती हो। मापारा तुम्हें अपनी राइटिंग पर तवज्जो देने की बहुत जरूरत है बेटा, और ये नॉवेल और ये फिल्में देखकर डिग्री नहीं मिल जाएगी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अपनी इतनी बुरी राइटिंग की तारीफ भी खुद ही कर रही हो। हाँ तो ठीक है ना, सबको मेरी बुराइयां ही नजर आती हैं। अब हर कोई मेरी शिकायत लगाएगा तो मैं खुद ही अपनी तारीफ करूंगी ना। सीरियस हो गई है? हाँ हाँ। अच्छा बात सुनो, ज्यादा मलका जज्बात बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, और भाई अब से कोई मेरी बेटी को नहीं सताएगा, सब इसके पीछे पड़ जाते हैं। आई लव यू टू। देख रही हूँ दोनों का प्यार। सबको उल्लू बना सकती हो माँ पारा, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारी इस कहानी में हरगिज नहीं आऊंगी। टहलने का शौक पूरा हो गया तो चलें, लेट हो रहे हैं। हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। क्या जानते हैं आप? यही ना कि तुमने जो कुछ मापारा के साथ किया उसकी भलाई के लिए किया। वही तो, मैं नहीं चाहती थी कि मापारा किसी भी लड़के की उल्टी सीधी बातों में आके खुद को नुकसान पहुंचा ले। वैसे तुम्हें क्यों लगा कि वो किसी लड़के के चक्कर में? सुहेल उसकी आंखों में नजर आता है, और फिर जिस तरह उसने मुझसे वो रजिस्टर छीना, जरूर उसमें कुछ किसी लड़के के बारे में लिखा था। और आपको तो पता ही है, इस उम्र की लड़कियां अपने आशिकों के बारे में अपनी किताबों में ही लिखती हैं। तुम्हें गलत फहमी भी तो हो सकती है ना, मापारा कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ नहीं बोल सकती, मगर घबराहट हो सकती है ना। और हो सकता है कि मम्मी के डर से उसने सच ना बताया, और वैसे भी मम्मी ने उससे कौन सा साफ साफ पूछा। अगर थोड़ा सा प्रेशर देती तो शायद वो सच बोल देती। करण, छोड़ो इस बात को, लेट हो रहा है, लेट्स गो। सुहेल, आप मुझसे नाराज हैं? जब तक अम्मी तुमसे खुश हैं मैं नाराज कैसे हो सकता हूं?
बुरे हैं सोहेल भैया। एक बात सुनो, ये तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर ना अपना दिल मत बुरा किया करो। ये छोटी सी बात है, पहले मेरी शिकायत की उन्होंने, अब भाभी के सामने मेरा मजाक बना रहे और आप भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। तो उसने कोई बुरे दिल से शिकायत थोड़ी की थी, और शिकायत क्या थी, यही कहा था ना कि भाभी तुमसे बड़ी हैं, इसलिए उन्हें जो पहनना ओढ़ना है वो खुद डिसाइड करेंगी। इसका मतलब यही ना कि मेरा कोई हक नहीं। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा हक तुम पर है। जिस तरह भाभी के आने से पहले तुम आईने में खुद को पूरी तवज्जो देती थी ना, इसी तरह बस खुद पर तवज्जो दो, खुद का ख्याल रखो, दूसरे क्या करते हैं उसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अब्बा इंतजार कर रहे होंगे। अब्बा को कॉल कर दो, तुम मेरे साथ सोगी आज। क्यों क्यों, तुम शाम को आई होती तो तुम्हें पता होता ना क्यों। तुम्हारे अब्बा जी आज इस्लामाबाद के लिए निकल गए शाम को, तो अब तुम मेरे साथ सोगी और हम रात को खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है, मैं दादी को फोन करके बता के आती हूँ, और फिर चाय का बोल दो आप पियेंगी। मैं पीऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ख्याल से, हवा के घोड़े पर सवार रहती है लड़की। ओहो, ये बच्ची नहीं सुधरेगी भाई। कवर बहुत अच्छा किया था तुमने, लेकिन मुझे तो सच बता दो यार। कैसे सच? यही कि किसे चुपके चुपके जहां जा रहा है। आपने मुझे बताया था क्या? यही कि आपके दिल में भी कोई है। ओके लिसन, देखो बात यह है कि मैं सिर्फ नजर तक आने देता हूँ, दिल तक मैंने किसी को आने नहीं दिया। हाँ तो यही बता देना कि नजर में कौन है। यार देखो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मसला ये है कि लिस्ट बहुत लंबी है और तुम सुनोगी तो परेशान हो जाओगी। फिर भी कोई तो होगी, मसलन? ओके मसलन, हाँ वो भाभी की कजिन, क्या नाम था याद नहीं आ रहा। नाम याद नहीं और नजर में रख के बैठ गए। हाँ नजर में रखने के लिए नाम जानना जरूरी नहीं है, बस एक दफा नजर डालो काफी है। अच्छा जी, अगर नजर से हट जाए तो पुकारेंगे कैसे? अरे यार माँ पारा, नजर हटाने के बाद कौन पुकारता है, वो अम्मी की एक सेंग है ना कि आंख उजल पहाड़ उजल, बस। Very funny. बता दो ना। क्या बता दूं? यही यार कि व्हाट्सएप के दौर में खतों किताबत कौन करता है, बता दो यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं कोई खतों किताबत नहीं करती। मोहब्बत तो करती हूँ। मोहब्बत भी नहीं करती। अच्छा चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है ना, लाओ मुझे अपना साइंस का रजिस्टर दो, मुझे भी पता चले कि एक आर्ट्स की स्टूडेंट साइंस के रजिस्टर से कैसे मोहब्बत कर सकती है। क्यों बताऊं, आप हैं कौन मेरे? हाँ तो अगर कोई नहीं हो तो दोस्ती कर लो, दोस्त समझ कर बता दो। लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होता। हाँ ये किसने कहा? आपने फिल्में नहीं देखी? इतनी मशहूर मूवी है जिसमें हीरो लड़की से कहता है कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकती। अच्छा यार कुछ भी समझ कर बता दो, लेकिन प्लीज बता दो। कहा ना, आप कुछ भी नहीं मेरे, हम आपके पीछे पड़ जाते। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ गई मेरी बेटी। सोहेल कहाँ है? वो बस आ रहे हैं, गाड़ी पार्क कर रहे थे। अजीब लड़की है, खुद अंदर आ गई उसे बाहर छोड़ आई। अरे मॉम उन्होंने ही कहा था कि तुम अंदर जाओ, मैं आ रहा हूँ। बिनेश बिनेश, जाके सोहेल साहब को अंदर लेकर आओ। पर वो तो सामान दे के चले गए हैं। चले गए? क्या मतलब चले गए? मैंने तो उसके लिए खाने का इंतजाम कर रखा है, तुमने उसे बताया नहीं था? मॉम मैंने बताया था शायद, मैं कॉल करती हूँ। तुम जाओ अंदर सामान रखो। ये कोई तरीका तो नहीं है कि बीवी को अंदर छोड़कर बाहरी से चले जाए, वो भी बगैर बताए, हद होती है।
क्या हुआ? नंबर ऑफ अरे वाह, आज तो मापारा बीबी चाय बना रही है। तुम गई नहीं? नहीं, अब से मैं दिन रात यहीं रुकूंगी। अच्छा तो बता देती ना, मुझे अम्मी जी के लिए चाय बनवानी थी। बेगम साहिबा के लिए? लेकिन वो तो सो गई हैं। सो गई? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो मैं उनके साथ थी, वो जाग रही थी। वो बड़े लोग हैं मापारा बीबी, कोई तुमसे और हमसे पूछ के तो नहीं सोएंगी ना। अच्छा चलो मैं देख लेती। देख लो, रूम अंदर से लॉक है। लॉक है? जाहिर है, सोने के लिए रूम बंद करेंगी ना, खोल के तो नहीं सोएंगी। तुमने नॉक करके पूछा था? हाँ, एक दफा दरवाजा खटखटाया था। अब बार बार खटखटा कर उनकी नींद तो नहीं खराब कर सकती मैं। ते जल्दी सो गई। चलो मैं अकेले चाय पी के क्या करूं, तुम लोग पी लेना, अच्छी बनी। बढ़िया, अम्मी जी के लिए चाय बनवानी थी। अब जा अपने घर में सो, हमारी जैसी नौकरजात होकर हम पर ही हुक्म चला रही है। वाह, आज मैं जैसे बाल बाल बची हूं ना, मुझे ही पता, लेकिन मुझे लगता है कि राहित को ना मुझ पर शक हो गया। बहाने बहाने से मुझसे पूछ रहे थे कि वो लव लेटर्स किसके लिए लिखे थे। प्यार करने वाले ऐसे ही पजेसिव होते हैं। तो मुझे दिखा देती ना कि वो लेटर्स उन्हीं की पुरानी किताबों का एक पहिया है जो वो डिस्कार्ड कर देते थे और तुम संभाल लेती थी। अब बता दो बेचारे को। हरगिज नहीं, जब तक वो खुद से इजहार नहीं करेंगे ना, मैं भी नहीं कहूंगी। देख लो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे बारे में कोई बदगुमानी पाल ले। पाल ले तो पाल ले, वैसे भी मैंने ना मूवीज में देखा, बदगुमानी के बाद ही असल मोहब्बत शुरू होती है। और अगर नहीं हुआ तो जितना है ना उसी में वो एक ना एक दिन इजहार कर देंगे। इतना यकीन है तुम्हें उन पर? उन पर नहीं, अपनी मोहब्बत पे यकीन है। किससे बात कर रही हो? सर दोस्त है। दिखाओ। जी भाई, अगर तुम्हारी दोस्त है तो मुझे भी बात करनी है ना, दिखाओ ना फोन। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? भाई तुम उस टाइप की लड़की हो जो अपनी दादी के फोन को भी रॉन्ग नंबर कह देती है। फोन तो तुम्हें चेक करवाना पड़ेगा बेटा। अच्छा जी, देख लिया, मेरी दोस्त अस्मा है। क्या जवाब दे भाई? इस बात की क्या गारंटी है कि तुमने ही ये नंबर सेव किया है? भाई तुम तो वो हो ना जो अपनी दादी के नंबर को, you know what I mean। आपको क्या लगता मैं धोखेबाज हूँ, झूठी हूँ? भाई देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो मुझे बता दो यार, मैं तुम्हारी आसानियां कर दूंगा। अगर मुझे किसी कोई है से बात करनी होगी ना तो मैं दूसरों से आसानियों की भीख नहीं मांगूंगी। और प्यार की राह में आई मुश्किलें तो वैसे भी प्यार को मोहब्बत और मोहब्बत को इश्क का दर्जा दे देती हैं। ओ हेलो, कौन सी दुनिया में रहती हो तुम? इसी दुनिया में जहां पर इंसान तख्तेदार पर भी अपनी मोहब्बत से मुकर नहीं सकता। तुम्हें ना कल कॉलेज आना है, जाओ सो जाओ जाकर, और सोने से पहले प्लीज मॉम से मिल लेना। ओके अम्मी जी, लेकिन सकीना तो बोल रही थी कि वो सो गई हैं। सकीना का दिमाग खराब हो गया है, मैं अभी मॉम से मिलकर आ रहा हूँ और वो मुझे कह रही थी कि मां पारा को मेरे पास बुला लेना। ओके Oh
सुनो, मुझे शैला की और सुहेल की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छे घराने में ऐसा होता है कि नई नवेली दुल्हन को मैके के दरवाजे पे ही छोड़कर चला जाए। मैंने तो मॉम आपको पहले ही कहा था, उन लोगों में कोई क्लास नहीं है। एक मामूली सी नौकरानी के लिए पूरा घर अदालत लगा के बैठ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं मॉम, जिसके लिए पूरा घर परेशान था उसकी जूती तक को फिक्र नहीं थी चलाक कहीं की। ऐसा साफ मुकरी है कि क्या बताऊं आपको। मैं तुमसे क्या कह रही हूं और तुम मुझसे क्या कह रही हो, तुम उस नौकरानी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। नहीं छोड़ सकती और सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम्हारा शौहर ही तुम्हें छोड़ दे। मेरा शौहर मुझे क्यों छोड़ने लगा। और मॉम आप क्या बातें कर रही हैं। वो जो कल रात से तुम्हें छोड़कर अपना फोन बंद करके बैठा है, तुम्हारी सास फोन नहीं उठा रही है, किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है और तुम उस नौकरानी की फिक्र में लगी हुई हो। मॉम मैं कहीं रास्ते में नहीं खड़ी, वो मुझे मेरी मॉम के घर ड्रॉप कर कर गए। यूं इस तरह से बगैर बताए। और शैला उनसे तो अच्छा है कि बात नहीं हुई, वरना सारा दिन मम्मी जी करते करते मेरे सर में दर्द हो जाता है। और अभी तो उनका वैसे ही मूड ऑफ है। पागल मत बनो हाजरा, किस्मत से इतना ऊंचा और अच्छा ससुराल मिला है तुम्हें, ससुराल वालों को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करो, वरना इस जज्बातीपन की आदत से ना तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। मॉम अभी 2 दिन हुए मेरी शादी को और आप मुझे बद्दुआएं दे रही हैं। बद्दुआ नहीं दे रही हूँ बेटा, तुम्हें मोहतात कर रही हूँ। अभी तुम्हें गए हुए उस घर में 2 दिन नहीं हुए हैं, तुम अपने कदम जमाने के बजाय दूसरों के कदम खांडे में लगी हुई हो। तो मॉम आप क्या चाहती हैं, कि मैं उस महापारा की बच्ची को वहां राज करने दूं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि तुम पहले उनके दिलों में अपनी जगह इतनी मजबूत बना लो कि वो घर एक रात तो क्या एक पल भी तुम्हारे बगैर ना चल सके। और महापारा, कहा ना कि कुछ दिनों के लिए महापारा का पीछा छोड़ दो, उसके साथ अच्छा सलूक करो, पहले सुहेल और शैला का एतमाद तो जीत लो। जब वो तुम पे भरोसा करने लगेंगे ना, तो उसके बाद जो दिल में आए उस मुंशी की बेटी के साथ कर लेना।